अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं इवनिंग से। और आज मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे घर, तो हमें जाना था डी मार्ट। ग्रॉसरी आइटम की लिस्ट काफ़ी बड़ी हो चुकी थी मेरे पास और मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा लेट वो आ रहे थे। आज वो थोड़ा जल्दी आ गए थे तो हम आ गए थे शॉपिंग करने थोड़ी सी ग्रॉसरी आइटम्स की। तो हम डी मार्ट में ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर ही ग्रोसरी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ फर्स्ट फ्लोर पर भी हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉर्नफ्लेक्स हम देख रहे थे और ये था, और ये ब्रेड था और काफ़ी लंबा ये ब्रेड था और अब ये न्यू आया था यहाँ पर। और उसके बाद में कुछ हमें चीज़ें लेनी थी, जो कि दाल वगैरह हमें लेनी थी, सूजी और दाल वगैरह। दाल यहाँ की काफ़ी अच्छी होती हैं जो कि फिनिश हो जाती हैं, तो फिर मैं कहीं और से दाल वगैरह नहीं मंगवाती हूँ। तो थोड़ा सा हमें बिस्किट वगैरह भी हमने बाय किए थे यहाँ से, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ से मैन फेस वॉश लिया था, काफ़ी अच्छा ऑफर लगा हुआ था जॉय चारकोल फेस वॉश पर, बाय वन गेट वन का। और ग्रॉसरी शॉपिंग मेरी हो चुकी थी और बिल भी हमारा क्लियर हो चुका था। तो अभी हम खाने लगे थे आइसक्रीम, जो कि मुझे कुछ बैठने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल गई थी तो मैं वहीं पर बैठ गई थी। और मेरे साइड में दो बच्चे बैठे हुए थे, छोटे छोटे से प्यारे से, और ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा जो है वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। और मेरे हस्बैंड ने फोर्स किया था इसलिए मैंने भी ले ली थी एक आइसक्रीम। ये देखिए क्यूट से बच्चे बैठे हुए थे और मैंने अपने बेटे को अपनी वाली दे दी थी। जब उसकी आइसक्रीम फिनिश हो गई थी तो अपनी सॉफ्टी मैंने उसको दे दिया था, कोन वाली जो आइसक्रीम थी। तो अभी हम आ गए थे घर और देखिए काफ़ी लेट हो गया था और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, काफ़ी सारे आइटम थे। टिश्यू पेपर थे, पनीर मैंने लिया था, सोया पनीर, टोफू जिसे कहते हैं वो भी मैंने लिया था, और दालें थी काफ़ी सारी। राइस भी मेरे ख़त्म हो गए थे, बासमती राइस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, घर पर थे नहीं। और सॉस भी मैंने ली थी, और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी मेरे पास फिनिश हो चुकी थी। और ये वाला फेस वॉश मैंने लिया था अपने हस्बैंड के लिए और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, और काफ़ी अच्छे ऑफर भी मिला था, 100 समथिंग में ये पड़ा था एक, हमें 200 इसके प्राइस थे, 200 समथिंग इसके प्राइस थे। और ये टूथब्रश भी मैंने लिए थे, ये काफ़ी अच्छे ऑफर रेट पे हमें मिले थे। और ये काफ़ी सारे नमकीन बिस्किट, चोकोज वगैरह, और हॉर्लिक्स छोटा वाला, और पिज़्ज़ा बेस लिए थे और चीज़ लिया था पिज़्ज़ा के लिए, और जो कि फिनिश हो चुका था तो मैं लेकर आई थी। छोटा मैंने पैक लिया था, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं लिया था क्योंकि एक्सपायरी ज़्यादा लंबी नहीं होती है उस पर डेट, तो इसलिए मैंने छोटा वाला पैक लिया था। और ये मैंने बेस लिए थे, पोहा भी लिया था, ब्राउन राइस का पोहा मैंने लिया है, ये देखें ये वाला चीज़ लिया था। और ये पिज़्ज़ा बेस लिया है जो कि आटे का मिल गया था, आटे वाला पिज़्ज़ा बेस बड़ी मुश्किल से मिलता है वहाँ पर, नहीं मिल पाता है कभी, ऐसा होता है कि बाय चांस मिल जाता है, वरना मैदे वाला ही मिलता है। और काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका भी, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आया था, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। और उसके बाद में शाम में मैंने बनाया था दाल चावल, शाम में हमने बनाए थे दाल चावल, तो उसके साथ दही तो बनता है, दही के बिना हमारा नहीं होता है, दही हमें ज़रूर चाहिए होती है, चावल की किसी भी रेसिपी के साथ मोस्टली हम दही खाते हैं। और नेक्स्ट डे हो गया था, नेक्स्ट डे मैंने बनाए थे पिज़्ज़ा, ये देखें बेस मैंने निकाल लिए हैं और दो बेस निकले थे इसके अंदर, और ये आटे वाले बेस थे वो कुछ ज़्यादा वाइट कलर के होते हैं और ये क्रीमिश से शेड पे थे, और काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट था। और एक बार मैं थोड़ा सा इनको सेक लेती हूँ हल्का सा रिफाइंड ऑयल डालकर, रिफाइंड ऑयल डालने के बाद मैं इसको हल्का सा सेक लेती हूँ नॉनस्टिक पैन में। जितनी भी मेरी वेजीज रखी हुई थी, मेरे पास कैप्सिकम था,
ओनियन था, चीज़ था, और यही सभी चीज़ों से मैंने बनाया था। और सारी सॉसेस थी मेरे पास, ये देखें पहले का मेरे पास रखा हुआ था, थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मेरे पास बची हुई थी। सबसे पहले मैंने इसमें से निकालने की कोशिश की है तो उसमें से नहीं निकल रहा था, वो फिनिश हो चुका था तो मैंने उसको फेंक दिया था। उसके बाद में ये पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस मैंने लगाई है, सबसे पहले स्प्रेड की है। उसके बाद में मेरे पास शेज़वान चटनी भी रखी हुई थी जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका भी, पिज़्ज़ा में मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ इसे। उसके बाद में मैंने मेयोनीज़ लगाई थी, ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैं मेयोनीज़ लगाती हूँ। उसके बाद में मैंने केचप डाला था और इसको अच्छे से स्प्रेड किया था मैंने। उसके बाद जो वेजीज़ मैंने ली थी उनको मैंने अच्छे से रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर लिया था, थोड़े से रिफाइंड ऑयल में, ज़्यादा रिफाइंड ऑयल नहीं लिया था मैंने। और ये देखें सारे वेजीज़ को मैंने इस तरह से फैला लिया था पिज़्ज़ा बेस पर, और जो कोडिंग थी उसके ऊपर अच्छे से इसको रख लिया है। उसके बाद मुझे इस पे ग्रेट करना था चीज़, तो मैं कोशिश कर रही थी इसके पैक को खोलने की बट ये थोड़ा मुश्किल से ओपन होता है। और ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, उसके बाद में मैंने इसको ग्रेट करना था ऊपर से, और पैन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और स्टैंड रख लिया था मैंने पहले। तो एक दोनों पिज़्ज़ा मैंने बनाए थे, दोनों बेस मैंने रेडी किए थे, दो पिज़्ज़ा मैंने बनाकर तैयार किए थे। ये देखिए इसको अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है कि इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, चीज़ के बिना पिज़्ज़ा का टेस्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है चीज़ डालने के बाद, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए एक पिज़्ज़ा मैंने डाल दिया है पैन में और उसको कवर कर दिया है लिड से। उसके बाद में मैंने दूसरा जो मेरा पिज़्ज़ा बेस पड़ा हुआ था उसको मैंने फिर से दोबारा से उसमें सभी चीज़ें उसी तरह से अप्लाई करनी शुरू की हैं। वेजीज़ मैंने फ्राई करके रखी हुई थी एक साइड पर, और जिस तरह से मैंने सॉसेस यूज़ की थी पहले वाले पिज़्ज़ा में उसी तरह से मैं ये सारी सॉसेस दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ। इसके साथ हमने कोल्ड ड्रिंक ली थी जो कि जीरे वाली हम लेकर भी आए थे डीमार्ट से, छोटू छोटू सी, और काफ़ी अच्छा उसके साथ इसका टेस्ट आ रहा था। और ये देखिए दूसरा पिज़्ज़ा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और उधर वो पहला वाला जो पिज़्ज़ा था वो ऑलमोस्ट बन ही चुका है। तो यहाँ पर जितना भी वेजीज़ बची हुई थी सब मैंने उसके अंदर डाल दी हैं, और थोड़ा सा जो उसमें चीज़ एक्स्ट्रा था वो मैंने पहले वाले पिज़्ज़ा में डाला है, और ये भी रेडी कर लिया है। और हमने इस तरह से खाए थे कि एक पिज़्ज़ा गर्म था, और जितना थोड़ा गर्म होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना चीज़ काफ़ी खिंची खिंची सी अजीब सा उसका टेस्ट हो जाता है, तो थोड़ा गर्म रहता है तो तभी उसको खाने में अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, घर पे पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी मिल जाता है घर में, पिज़्ज़ा इतना अच्छा टेस्ट ही बनता है। और ये देखिए दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी मैंने रेडी कर लिया है और उसको मैंने पैन में डाल दिया है, और ये पहले वाला पिज़्ज़ा मैंने निकाल लिया है बाहर और इस पर मैंने डाले हैं ओरिगैनो। ये देखें कितना प्यारा लुक इसका, इतना अच्छा आ रहा था, और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था इसका। ये देखें इसका लुक, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। कभी कभी बच्चों का मन होता है, और हमारा भी कभी कभी मन होता है ऐसी चीज़ें के घर में बनाएं और ज़्यादा अच्छे से उनको बच्चों को खिला सकें। और ये देखें काफ़ी अच्छा ये बनकर रेडी हुआ था, बिल्कुल एकदम बाजार जैसा जैसे कि बाहर मिलता है हमें। जैसे कि पिज़्ज़ा कॉर्नर पे हमें मिलता है उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे घर पे जो मैं बनाती हूँ उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। और चिली फ्लेक्स मेरे पास एक्चुअली में ख़त्म हो गए थे, मेरे पास अभी नहीं थे तो चिली फ्लेक्स मैंने नहीं डाले हैं, बट अगर होते तो मैं ज़रूर डालती। और मेरे पास ओरिगैनो रखा हुआ था तो ओरिगैनो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और दूसरा वाला मेरा यहाँ पर अभी कुक हो रहा था। ये देखें पिज़्ज़ा बन रहा था यहाँ पर, और थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, ज़्यादा इतनी देर में हमने इसको फिनिश किया है इतनी देर में वो बन चुका था। और
अगर आज की आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।